आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हमारे पास क्वेश्चन की मैंने जिसमें बोला गया कि टू पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 माइक्रो कूलंब आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर इन ए लार्ज वेसल ऑफ वाटर द रिलेटिव परमिटिबिलिटी ऑफ द वाटर जो दिया हुआ है इवन एप्सिलॉन 1 इज 80 दिया हुआ है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम देखो क्वेश्चन में क्या है अगर मान लो समझने के पहले तो हम समझते हैं कंसेप्ट समझते हैं इसमें होता है कि अगर मान लो चार्ज जो है चार्ज जो सेपरेट है दो चार्ज है मेरे पास टू पॉइंट चार्जेज ये चार्ज एक और दूसरा चार्ज यहाँ ठीक है ठीके? दो चार्ज सेपरेटेड वा है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है आपको जाकर कितना वन पॉइंट फाइव मीटर ये दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव मीटर डिस्टेंस की आपको चार्जेस का मैग्नीट्यूड मान लो क्यू है इसका भी क्यू है क्यू का वैल्यू दिया हुआ है क्यू इक्वल टू कितना गिवन है हमारे पास ट्वेंटी माइक्रोकॉलम जो हम बाद में यूज करेंगे ठीक है अब क्या कह रहा है फोर्स तो क्या होता है अगर ये सेपरेशन जनरल डिस्टेंस आर लेकर चले तो फोर्स क्या होता है फोर्स के क्यू वन क्यू टू डिड बाय आर स्क्वायर देखो के को अगर एक्सपेंड करो तो वन अपन फोर बाई एफल नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ये कब होता है ये फोर्स का इक्वेशन होता है जब चार्जेज एयर में रखा हो ये, ये जो होता है एफ एल एम नॉट ये ऑफ फ्री स्पेस तो पर्मे, ठीक है जब इसको वाटर में रख थे हैं तो वाटर में रखने के बाद क्या होता है ये जो एफ इक्वल टू हो जाता है वन अपॉन फोर बाय Epsilon not, Epsilon one, square, by R ये जो होता है ना इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन, जिस मीडियम में रखा गया है एफसाइलम नॉट परमिटिविटी ऑफ़ द जो जिस मीडियम है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमेबलिटी ठीक है इसको कहते हैं रिलेटिव परमेटिविटी तो आप ये दिया हुआ है हमारे पास वाटर का एट्टी ये इवन दिया हुआ एट्टी तो फोर्स देखो क्या हो गया फोर्स हो गया जो आपको नॉर्मल फोर्स था जो फोर्स था नॉर्मल फोर्स जो एयर में था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ साल वन जो वाटर का परमिटिविटी हो गया तो के कितना है नाइन इंटू टेंथ पावर नाइन होता है के का वैल्यू क्यू स्क्वायर कितना क्यू कितना दिया हुआ है ट्वेंटी माइक्रोकुल तो ट्वेंटी इंटू टेंट पावर माइनस सिक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कितना दिया है हमारे पास 1.5 मीटर तो 1.5 मीटर का स्क्वायर एफ साल वन एट्टी दिया हुआ है वाटर कितना दिया हुआ है 80 सॉरी ये 80 दिया हुआ है यहाँ पर हम 80 लिख देते हैं तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ये देखो सॉल्व करने के बाद कितना आता है फोर्स का वैल्यू नाइन इंटू टेन का पावर नाइन इंटू फोर हंड्रेड इंटू टेन पार माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट टू फाइव इंटू एटी इतना हो गया देखो ये जीरो से ये जीरो गया आठ से गया ये पांच बार में ठीक है देखो ये पांच से गया चार इतना फोर्टी फाइव में अगर इस इसको हटा दे या पॉइंट फोर फाइव कह दो या जो भी कह दो पॉइंट फोर फाइव तो इतना हो गया अब क्या बचा हमारे पास नाइन इंटू टेन के पावर नाइन इंटू टेन टू पावर माइनस टूवल्व डिवाइडेड बाय फोटी फाइव इंटू टेन टू पावर फोर्टी फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस टू इतना बचा अब इसको और सिम्प्लीफाई कर देते हैं तो ये कितना बचा नौ नौ से गया पाँच बार में और एक बटे पांच कितना हो गया पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर नाइन माइनस ट्वेल्व प्लस टू ठीक है तो ये आ गया पॉइंट टू इंटू टेन टू पावर नौ दो ग्यारह में से माइनस बारह हो गया तो माइनस वन यानी पॉइंट जीरो टू न्यूटन इतना फोर्स होगा जब उसको वाटर में रिप्लेस किया गया वाटर वाले मीडियम में रखा गया है तो चार्ज के बीच में क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर